ये है अनिल कपूर का बंगला। आप लोग इनके गेट के सामने जो पेड़ देख रहे हैं, इस फोटोज में देखिए, उसी पेड़ पर इन्होंने हाथ रखकर फोटो क्लिक करवाया है और ये यहीं का सीन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं अनिल कपूर और सोनम कपूर के घर पे। उनका घर कहाँ पे है, कहाँ लोग रहते हैं, उनके घर की प्राइस क्या है, तो आज की इस वीडियो में गाइज आपको उनका घर दिखाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जो उनके घर के बारे में नहीं जानते हैं और उनका घर देखना पसंद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उनका पूरा घर दिखाने वाले हैं और उनके घर की प्राइस वगैरह सब कुछ बताएंगे, और वो लोग कहाँ पे रहते हैं, उनका लोकेशन क्या है घर का। तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग S7 वाले रोड पे हैं, तो अनिल कपूर सर के घर पे चलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज फाइनली हम यहाँ पर अनिल कपूर सर के घर आ चुके हैं। जी हाँ, यहीं पर हर्षवर्धन कपूर और उनकी माताजी जो हैं सुनीता कपूर भी रहती हैं। और देखिए, यही है अनिल कपूर सर का घर, और इनके घर के सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का है। दोस्तों, ये जो गेट है, गेट के सामने जो आप लोग पेड़ देख रहे हैं, यहीं पर अनिल सर ने फ़ोटो क्लिक करवाया था। दिवाली का टाइम था और यहीं पर फुलझड़ी और वगैरह जो भी था उन्होंने जलाया था, तो उसका भी मैं इनसाइड फ़ोटो यानी स्क्रीनशॉट लगा के अभी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे उन्होंने फ़ोटो क्लिक करवाया था और कहाँ पे उनकी पूरी फैमिली जो है वो यहाँ पर फुलझड़ी वगैरह जलाई थी दिवाली के टाइम में। तो ये है दूसरा गेट उनके घर के सामने का, और इधर है पहला गेट। अक्सर वो इसी गेट के रास्ते से निकला करते हैं। यही गेट हमेशा ओपन रहता है, और साइड वाला जो गेट मैंने आपको दिखाया वो गेट अधिकतर लॉक रहता है। तो ऊपर तक का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कितना शानदार है, और ऊपर बालकनी में यहाँ पर हरे भरे पौधे भी लगाए गए हैं, और इन पौधों का शौक़ अनिल कपूर और उनकी पत्नी सुनीता कपूर को भी है। जितने भी पौधे लगे हैं इस घर में ऊपर से नीचे तक, वो अपने हाथों से लगाई हैं। जो सुनीता कपूर हैं उनकी वाइफ, उनको इस चीज़ का बहुत ही शौक़ है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है मैं आपको सब कुछ आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए गार्ड साहब अंदर जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा गेट खुला हुआ है जूम करके आपको दिखा दूँ। देखिए वहाँ पे बहुत ही बड़ा गमला रखा हुआ है, और उसमें कुछ पेड़ भी लगाए गए हैं, और उधर गाड़ी के पीछे एक गणेश जी की प्रतिमा भी लगाई गई है जो मिट्टी की है। इनके घर में अधिकतर जो भी पेंटिंग वगैरह लगाया गया है वो सब मिट्टी का अधिकतर यूज किया गया है। ऊपर वहाँ पर देखिए कांच लगाया गया है, उधर भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और यहाँ पर भी बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं। अंदर केले के टाइप के भी पेड़ लगे हुए हैं कुछ। और इनका घर बहुत ही लाजवाब और शांत इलाका में है। जी हाँ गाइस, देखिए अंदर कितनी सुंदर सी पेंटिंग बनी हुई है, और ये इनकी गाड़ी खड़ी है, ब्लैक कलर की गाड़ी है, मर्सिडीज बेंज एस क्लास। इसकी प्राइस है 1.40 करोड़। और देखिए गाइज, ये जो फ़ोटो उन्होंने क्लिक करवाया है इसी जगह क्लिक करवाया है। पीछे गमला भी रखा हुआ है जिसमें पौधे लगाए गए हैं, और जहां पर फ़ोटो क्लिक है वहां पर भी अंदर गमला रखा हुआ है, फ़ोटो क्लिक करवाया गया है, और यहीं पर उनकी गाड़ी भी खड़ी है। तो ये शानदार सा आप लोग जो बंगलो देख रहे हैं ये अनिल कपूर सर का है, और इस बंगले की प्राइस गाइज अभी 35 करोड़ रुपये है। और देखिए यहाँ पर मैंने एक फिर से तस्वीर लगाई है स्क्रीनशॉट लगा के, ये तस्वीर इसी गेट के सामने की है जब दिवाली के टाइम में अनिल कपूर सर सभी लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर दिवाली मनाए थे और मिठाई बांटे थे। और गाइज ये तस्वीर देखिए, ये भी गेट के सामने की है, वो अपनी बेटी सोनम कपूर के साथ यहीं पर दिवाली में फुलझड़ी जो है वो जला रहे हैं गेट के सामने। और ऊपर का नज़ारा आप लोग देखिए कितना शानदार है, और यहाँ पर बारिश होने की वजह से थोड़ा भीगा भीगा सा लग रहा है। वहाँ देखिए छाते टाइप का कुछ लगाया गया है, और ऊपर बांस के जो डंडे हैं वो लगा के इसको ढका गया है। काफ़ी शानदार ये बिल्डिंग लग रही है, और अंदर इनके घर में काफ़ी पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर बांस के पौधे भी हैं, और अंदर केले के भी पौधे हैं, पपीता के पौधे हैं। मतलब ये सब देखने से पता चलता है कि इनको पेड़ पौधों का यानी हरियाली का बहुत ही ज़्यादा शौक है। और वहीं पर अनिल कपूर सर के पास 5 शानदार सी गाड़ियां भी हैं, जिसमें मेबैच S 500,
इसकी प्राइस है 1.70 करोड़ रुपए और BMW 7 सीरीज उसकी प्राइस गाइज है 1.26 करोड़ और ऑडी A8L है जिसकी प्राइस है 1.58 करोड़ और टाटा सफारी स्टॉर्म है जिसकी प्राइस है 16 लाख रुपए और मर्सिडीज बेंज एस क्लास है उसकी प्राइस है 1.40 करोड़। तो काफ़ी भी अच्छे कार का कलेक्शन इनके पास है और सभी गाड़ियों की प्राइस करीब 6.5 से 7 करोड़ रुपए आएगी, यानी कार का कलेक्शन इनके पास बहुत ही अच्छा है। इनका घर जितना शानदार है उतनी शानदार इस घर में फैसिलिटी भी है। इसमें एक उनका पर्सनल जिम और एक पूरा बुक एरिया और इसी के साथ इस घर में गार्डन भी मौजूद है और पीछे आपको हम बता दें इसमें स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ बहुत ही बड़े बड़े हैं। दोस्तों अगर आप लोग कभी भी मुंबई आते हैं और अनिल कपूर सर का घर देखना चाहते हैं तो इनके घर का पूरा एड्रेस मैं आपको बता दूं। मुंबई में अनिल कपूर सर का आवास 31 श्रीनगर रेजिडेंसी सोसाइटी नॉर्थ साउथ रोड नंबर 7 जुहू विले पार्ले डेवलपमेंट यानी JVPD में है, जिसे मुंबई में उनके घर के पते के रूप में अक्सर जाना जाता है और इसी रोड पर इनका घर है। और इनके आसपास के जितने भी लोग हैं जैसे जो भी एक्टर्स हैं वो रोहित शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, अजय देवगन, धर्मेंद्र और यहाँ पर ऐसे कई सारे और सेलिब्रिटी हैं जो इनके आसपास रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स फिल्म AK वर्सेज AK में अनिल कपूर ने जुहू स्थित अपने बंगले में घर के सीन शूट किए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी के पीछे गणेश जी की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही होगी, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। अक्सर वो गणेश चतुर्थी पे और हमेशा यहाँ पर गणेश जी की पूजा करते रहते हैं और गणेश जी को वो बहुत ही मानते हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए अंदर का सीन मैं थोड़ा सा आपको शूट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर इन्होंने अपने घर में कौन कौन सी चीज़ें फ़िलहाल बाहर लगाई हैं। तो पेड़ पौधे भी वहाँ पर लगाए गए हैं और अच्छी खासी पेंटिंग भी यहाँ पर की गई है। और ये जो मेन गेट है यही इनका मेन गेट है, इसी के रास्ते से एंट्री होती है और लोग बाहर अंदर आते जाते रहते हैं। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ भी पार्क की हुई हैं और ये जो है ये इधर दूसरा गेट भी मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा बगल में चल के, वो तो पहला गेट था। यहाँ पर देखिए ये गेट जो है ना ये लॉक है क्योंकि ये बागीचे के साइड का गेट है। इस रास्ते से अगर आप जाओगे तो पीछे बहुत ही बड़ा आपको बागीचा मिलेगा जहाँ पर वो अक्सर टहला करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से ऊपर हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, मतलब चारों तरफ इस घर को ना हरियाली से घेर दिया गया है। ऊपर अक्सर वो वहाँ पर बैठा करते हैं, आप लोग कई सारे फोटोज वगैरह में देखते होंगे जब वो शेयर करते हैं जो ऊपर वहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ जूम करके, वो अक्सर वहाँ पर बैठा करते हैं और चाय पानी जो भी होता है वो वहाँ पर पीते हैं। तो गाइस जिनका घर जो है काफ़ी कमाल का है, मैं आपको बता चुका हूँ कि इस घर की प्राइस 30 से 35 करोड़ रुपये तक है और बहुत ही शानदार बंगला है। जब भी कोई भी फंक्शन पड़ता है जैसे बर्थडे हो, दिवाली हो, होली हो, तो ये अक्सर अपने घर पे बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनको इनवाइट जो है वो करते रहते हैं। गाइस इस घर में जितने भी लिविंग रूम और जो भी एरियाज हैं वो काफ़ी बड़े बड़े और आलीशान हैं। उम्मीद करूँगा आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नए ब्लॉग में। धन्यवाद।